वेलकम टू सूत्रा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो के अंदर, चैप्टर के अंदर, शास्त्र आपको बताएगा कि आपको किस तरह की लड़की से या फिर लड़की को किस तरह के लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। तो ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए जिसका नाम भद्दा हो, अटपटा हो, जो लोगों के बीच में बैठना उचित नहीं समझती हो, अकेले रहना पसंद करती हो, भूरे बाल हो, सफ़ेद दाग हो, बड़े कुल्ले हो, गर्दन झुकी हुई हो, उसका शरीर पुरुष के समान तगड़ा हष्टपुष्ट हो, सिर में बाल कम हो, जिसमें लज्जा व शर्म का भाव ना हो, गूंगी हो, जिसे बचपन से आप जानते हो, जिसके हाथ पैर पसीजते हो, इस तरह के अवगुणों वाली लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी लड़की के साथ भी शादी नहीं करनी चाहिए जिसका नाम नक्षत्र, नदी या पेड़ के नाम पर हो, इसके नाम के अंत में लय या रे अक्षर आता हो। अगर लड़की युवती हो जाए तो शादी के योग्य हो गई हो तो उसके माँ बाप को चाहिए कि उसे सुंदर वस्त्र पहनाए, सजने संवरने दे। युवती होने पर लड़की को सज संवार कर शाम के समय अपनी सहेलियों के साथ बागों में खेलने जाना चाहिए। माँ बाप का कर्तव्य है कि जब लड़की जवान हो जाए तो उसे शादी पार्टियों, उत्सवों और यज्ञों में अच्छे कपड़े पहनाकर और साथ सवर कर ले जाए। इस तरह से सजने संवरने से लड़की की और लड़कों का आकर्षण बढ़ता है। जिस तरह सजावट को देखकर लोग उस तरह आकर्षित होते हैं, उसी तरह लड़की युवती होने पर जब सस्ती संवरती है तो लड़के उसकी ओर आकर्षित होते हैं। लड़की के माता पिता को चाहिए कि जब लड़के वाले उसके घर पे लड़की को देखने आए तो बढ़िया पकवानों से उनका स्वागत करें। लड़की के माता पिता को चाहिए कि जब भी लड़का उन्हें देखना है तो लड़की अच्छे वस्त्र पहनकर, उसको आभूषण पहनाओ और साथ संवर कर फिर ही लड़के को दिखाओ। और साथ ही लड़की के माता पिता को चाहिए कि शादी होने से पहले रिश्तेदार दोस्तों से सलाह लेने के बाद ही उस लड़के के साथ उसका विवाह करें। और जब सब कुछ उसके बारे में पता चल जाए, उसके लड़के के परिवार के बारे में पता चल जाए, उसके बाद ही उसकी शादी तय करनी चाहिए। इसके लिए वो लड़के के माता पिता से समय मांगे। लड़के को अपने समान हैसियत पर लड़की के साथ ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि जो पैसे और अन्य चीज़ों लालचवश अपने से अधिक अमीर लड़की से शादी करता है, उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। किसी छोटे घर के लड़के को बड़े घर की लड़की या किसी छोटे घर की लड़की को बड़े घर के लड़के के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के संबंधों को उच्च संबंध कहा जाता है और अक्सर बुद्धिमान लोग इस तरह का संबंध नहीं करते। अक्सर कुछ पुरुष निर्धन घर की लड़की के साथ शादी कर उस पर मालिक की तरह शासन करता है। ऐसे घरों में निर्धन घर की लड़की नौकरानी बनकर रहती है। इस तरह का वैवाहिक संबंध हीन संबंध कहलाता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो भी इस तरह के संबंधों से बचते हैं। तो कुल मिलाकर वत्सन जी, हमें शास्त्र हमें ये सभी ज्ञान दे रहा है कि भैया लड़का लड़की को शादी करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे तो इस पर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी नहीं बन पाता। तो इसलिए लड़के और लड़की की शादी विद्या, वित्त और कुल देखकर और अपनी जाति में देखकर करनी चाहिए। आज के चैप्टर में इतना ही। कल से नया अध्याय चालू हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।